नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आप सबके सामने आने वाले हैं उन्हें आप बहुत टाइम से जानते हैं, यू नो हिम सिंस वेरी लॉन्ग. सो अब बारी है आप सबका थोड़ा सा मूड बदलने की, एक ऐसे इंसान से मिलने की जिन्हें, जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं. आप अक्सर उनसे अपनी दवाइयों के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन आपने कभी उनका ये रूप नहीं देखा, यानी कि उनके इस शौक के बारे में आपको आज तक पता ही नहीं चला होगा. तो आइए उन्हीं के शब्दों में मैं उनको आमंत्रित करती हूं. जरा सा हाथ बढ़ाओ, बड़ी घुटन है यहां, और ये किताबें हटाओ, बड़ी घुटन है यहां. नब्ज दे गया है कोई गिन कर मुझे, नब्ज दे गया कोई गिन कर मुझे, जरा सी धड़कन बढ़ाओ, बड़ी घुटन है यहाँ. तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी आपके अपने द वन एंड ओनली डॉक्टर जावेद ताहिर. थैंक यू अर्शिता एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. किडनी डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशामदीद इस्तकबाल सभी लोगों का यहाँ आने के लिए. वेल, लिखता तो उर्दू में हूँ, कोशिश है कि जितना भी कलेक्शन है उसमें से सबसे आसान मैंने कुछ चीज़ें पिक की हैं और कहाँ तक आप तक पहुंच पाता हूं. सबसे पहले कुछ शेर सुनाऊंगा और उसके बाद एक नज़म और उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी. और अगर यहां तक बर्दाश्त कर लिया आपने मुझे तो फिर एक दुआ. वेल, कुछ शेर से शुरू करता हूं कि कुछ ये आजकल के हालात पर हैं. वो मोहब्बत से मना तो ले गया मुझे, वो मोहब्बत से मना तो ले गया मुझे, मगर एक खालिश सी दे गया मुझे. वो मोहब्बत से मना तो ले गया मुझे, मगर एक खलिश सी दे गया मुझे. और कब तलक काटूं नफरत की फसल जमीन मुल्क, ये ना जाने कौन जहरीले बीज दे गया मुझे. कब तलक काटूं नफरत की फसल जमीन मुल्क, ना जाने कौन जहरीले बीज दे गया मुझे. और इन अजीमो शान शहंशाहों से अच्छा है एक फकीर, इन अजीम व शान शहंशाहों से अच्छा है फकीर. फैला के हाथ कुछ तो वजूद दे गया मुझे, फैला के हाथ कुछ तो वजूद दे गया मुझे. और माटा साहब अर्ज है कि ये सूरज देखो कितने सितारे बुला लाया, ये सूरज देखो कितने सितारे बुला लाया, मेरा नसीब एक चांद क्या दे गया मुझे, मेरा नसीब एक चांद क्या दे गया मुझे. ये मां के आंसू, बाप की मेहनत, बच्चों की सिसकियां, ये मां के आंसू, बाप की मेहनत, बच्चों की सिसकियां, और एक बादशाह ताजमहल दे गया मुझे, और एक बादशाह ताजमहल दे गया मुझे. तेरे वजूद का कायल था, तेरे वजूद का कायल था, तो हाथ उठे दुआ को मेरे, तेरे वजूद का कायल था तो हाथ उठे दुआ को मेरे. और तू था इंतजार दे गया मुझे, और तू था इंतजार दे गया मुझे.
संभलना जिसको सिखलाया जामे दुनिया पीकर, संभलना जिसको सिखलाया जामे दुनिया पीकर, वही बहकने का इल्जाम दे गया मुझे, वही बहकने का इल्जाम दे गया मुझे, और पकड़ के नब्ज जब मैं होठों से कुछ ना कह पाया, पकड़ के नब्ज जब मैं होठों से कुछ ना कह पाया, चला गया वो और जख्म दे गया मुझे, चला गया वो और जख्म दे गया मुझे, और मैं पढ़ रहा था मोहब्बत को धड़कनों की तरह, मैं पढ़ रहा था मोहब्बत को धड़कनों की तरह, वो बेवफाई की किताब दे गया मुझे, वो बेवफाई की किताब दे गया मुझे, और जावेदा हो गई, जावेदा मतलब अमर, जावेदा हो गई वो शाम गजल के साथ मेरी, जावेदा हो गई वो शाम गजल के साथ मेरी, जब हवा चली तो चिराग दे गया मुझे, जब हवा चली तो चिराग दे गया मुझे। और ये एक अगली नज्म है जो एक्चुअली माँ पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, ये मैंने लिखी है फादर के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आएगी। एंड छुपाकर मुझसे वो क्या ना पी गया होगा, छिपाकर मुझसे वो क्या ना पी गया होगा, जला के खुद को वक्त पी गया होगा, छिपाकर मुझसे वो क्या ना पी गया होगा, जला के खुद को वक्त पी गया होगा, जिसने जिस्म को अरमानों पे रखा जिंदा, वो ना जाने कितनी ख्वाहिशें पी गया होगा, जिसने जिस्म को अरमानों पे रखा जिंदा, वो ना जाने कितनी ख्वाहिशें पी गया होगा, वो दर्द के साहिल पे मुंतजिर था मेरा, वो दर्द के साहिल पे मुंतजिर था मेरा, मेरे इंतजार में अश्क पी गया होगा, मेरे इंतजार में अश्क पी गया होगा, और दे तो सकता था जवाब बेरुखी का तेरी दुनिया, दे तो सकता था जवाब तेरी बेरुखी का दुनिया, वो बच्चों के लिए वकार पी गया होगा, वो बच्चों के लिए वकार पी गया होगा, हर एक अश्क का हिसाब लूं अगर चेहरे से, हर एक अश्क का हिसाब लूं अगर चेहरे से, वो मुस्कुराकर समुंदर पी गया होगा, वो मुस्कुराकर समुंदर पी गया होगा, मजबूर घर में ऐसा तो नहीं कि कोई ना था, मजबूर घर में ऐसा तो नहीं कि कोई ना था, वो डर से दस्तक पी गया होगा, वो डर से दस्तक पी गया होगा, हर एक जर्रे में खुदा को देखने वाला, हर एक जर्रे में खुदा को देखने वाला, लगी जो आग ईमान पी गया होगा, लगी जो आग ईमान पी गया होगा, और मुकम्मल कर न सका खत शिकायतों का वो, मुकम्मल कर न सका खत शिकायतों का वो, कलम जहान की रोशनाई पी गया होगा, कलम जहान की रोशनाई पी गया होगा, और जावेद अब कहीं मत ढूंढो उसे, जावेद अब कहीं मत ढूंढो उसे, वो जामे निजात पी गया होगा, वो जामे निजात पी गया होगा, वो जामे निजात पी गया होगा। अच्छा, जितने भी मरीज हैं खासतौर से किडनी से रिलेटेड, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं मुझसे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बड़े खुलेआम क्वेश्चन होते हैं, और कि ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसे होता है, उसका जवाब हम कोशिश करते हैं कि दें सारे सवालों का जवाब। मगर एक सवाल ऐसा है जो बड़ा छुपकर आता है, बहुत ही खामोशी से, और खामोशी से ही चला जाता है, किसी को उसका पता नहीं चलता, और वो सवाल है कि बड़े कॉमनली कोने में जाकर कि डॉक्टर साहब ये ले सकते हैं क्या? तो अब पहले तो मैं ये समझा नहीं कि ये क्या, तो मैंने कहा मूंगफली, बोले अरे नहीं मूंगफली नहीं भाई ये, मैंने कहा अच्छा क्या बादाम, बोले नहीं नहीं आपने नहीं पूछा। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था, हमारे दोस्त हैं, बोले नहीं बादाम नहीं भाई, समझो वाइन, वाइन ले सकते हैं कि नहीं?
मैंने कहा नहीं 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 भाई, कैसे ले सकते हैं, माइन नहीं ले सकते। तो उनका फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे दोस्त हैं वो बेचारे डायलिसिस पे आ गए, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन आया उनका, अच्छा रेड वाइन ले सकते हैं, वो तो हेल्दी होती है। मैंने कहा भाई रेड वाइन भी तो वाइन है। नहीं, बोला आपको रेड रेड से प्रॉब्लम है कि वाइन से प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे दोनों से प्रॉब्लम है, रेड वाइन इज हेल्दी, ये मुझे नहीं पता, बट वाइन नहीं ले सकते। बोले तो फिर वो खामोश हो गए। बोला अच्छा वोडका, वोडका, वोडका तो पानी है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब पानी ना पिया वोडका पी लिया? मैंने नहीं भाई वोडका भी नहीं ले सकते। अब वो नाराज हो गए। अब जब वो नाराज हो गए तो उनके जज्बात मेरे सामने आए निकल के, और वो जज्बात जो थे वो मैंने कागज पर लिख लिए। अब ये थोड़ा सा मेरी जो स्टाइल है लिखने का उससे अलग है, मगर जो कुछ जज्बात थे वो कुछ इस तरीके थे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं वो जज्बात किस तरीके के थे। तू दर्द उठा दिल में बर्दाश्त की पी लूंगा, मैखाने अगर बंद हैं हालात की पी लूंगा, बंद है अगर खिंचनी तासीर तो बाकी है, दीवार के साये में मोहताजी की पी लूंगा। आवाज के साहिल से शिद्दत को हटा दे, बच्चों की आंखों से हसरत को हटा दे, मेहनत के पसीने से खुशबू को हटा दे, शायर के तस्वुर से मोहब्बत को हटा दे, महबूब की आंखों से निस्बत को हटा दे, दरिया से उतरी हुई जिया को हटा दे, चांद के पहलू से हाला को हटा दे, नगमों से छनती हुई तरन्नुम को हटा दे, शमा के आंसू से गजल को हटा दे, तोहफों के पहलू से इज्जत को हटा दे, साहिल पे मचलती हुई मौजों को हटा दे, दुनिया को वजूदे शाही से हटा दे। कब तक तू हटाएगा इस मैखानों की दौलत, मैं जिंदगी से मिली निजात की पी लूंगा, तू दर्द उठा दिल में बर्दाश्त की पी लूंगा, मैखाने अगर बंद हैं हालात की पी लूंगा। हर्फ उतरे तो लिखता हूं तेरी आंखें, तू लेता इम्तहां है कहता हूं तेरी आंखें, परवरिश करती हैं मोहब्बत की तेरी आंखें, आशिकी मजहब तो ईमां है तेरी आंखें, रहम की ख्वाहिश में आका है तेरी आंखें, सैफे कातिल भी हैं और मरहम भी तेरी आंखें, कितनी आंखों को मैसर नहीं तेरी आंखें, फिरौन को मिले दुनिया मुझको तेरी आंखें, दीन की गाफिल हो रोशन है तेरी आंखें, अब साकी के अकीदे का तलबगार नहीं हूं, प्यासा हूं मगर काफिरो अय्यार नहीं हूं, ए रब तेरी आंखों से ईमान की पी लूंगा, तू दर्द उठा दिल में बर्दाश्त की पी लूंगा, मैखाने अगर बंद है हालात की पी लूंगा। मदहोश दुनिया में हर शख्स बहका है, गंदुम के दानों से खेत बहका है, बारिश की बूंदों से आसमान बहका है, नदियों की अदाओं पे सागर बहका है, झरनों की रवानी पे चश्मा बहका है, आमाल पे अपने आलिम बहका है, बुलबुल की पुकारों पे जुगनू बहका है, सावन की फुहारों पे किसान बहका है, बेगुनाह की सजा पे इंसाफ बहका है, औलाद के फन पे बाप बहका है, हुस्न पे दिलों का अरमान बहका है, हिम्मत गर है तो तूफान बहका है, अब बहका है सरे आम या आलम तो क्यों ये एतराज कि देख बहका है, अब बहका हूं तो बहकने दे साकी, मैं जमाने के इल्जाम की पी लूंगा, तू दर्द उठा दिल में बर्दाश्त की पी लूंगा, मैं खाने अगर बंद है हालात की पी लूंगा। और आखिर में ये मुझे लगता है आपने बर्दाश्त कर लिया, तो ये दुआ लिखी है नॉट इवन फॉर किडनी पीपल, इवन सारे हॉस्पिटल सारे अस्पताल जिनमें मरीज हैं और भर्ती हैं या दिखा रहे हैं और किसी न किसी बीमारी से जुड़े हुए हैं, तो और शिफा की उनके लिए दुआ है, शिफा मतलब कि वो ठीक हो जाएं, तो एक दुआ लिखी है, आई होप आपको पसंद आएगी। मुझे इल्म खिला मुझे इल्म पिला, मुझे इल्म खिला मुझे इल्म पिला, है जुनून रब मुझे ला मिला, मुझे इल्म खिला मुझे इल्म पिला, है जुनून रब मुझे ला मिला, मैं गिर के तार तार हो गया, मुझे फिर जिला मुझे फिर जिला, मेरा इश्क तेरी मखलूक हो, मेरे दिल में खिदमत हिफ्ज हो, मुझे तेरी वफा की है तलब, शिफा दिला शिफा दिला, तू नहीं तो मेरी बिसात क्या, तेरे आगे मौत और हयात क्या, ये वही आदम में औलाद है, इसे ला जिला इसे ला जिला, मैं रूह दर्द में उतर पड़ूं, मैं जख्म देख मचल पड़ूं, मैं सबके दर्द ओढ़ लूं, दे हौसला दे हौसला, थोड़ी मेरी अर्ज सुन तो ले, कई आह हैं तू भी रो तो ले, दवा भी है तेरी बंदगी, हमें दे सिला हमें दे सिला, है वतन मेरे कमाल का न जवाब इसके जमाल का, रख जिस्म रूह को बेमरज और सबके दिलों को ला मिला ला मिला। शुक्रिया, थैंक यू।
सर आप स्टेज पर ही रुकिए प्लीज, आप स्टेज पर ही रुकिए। तो मैं सर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जावेदा रहे जावेद और उनका हर एक शब्द जो आज शाम इतनी सारी यादें दे गया मुझे। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए प्लीज। तो सर वैसे तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले, तो ये शेर व शायरी का शौक आपको कब से है, कब से करते आए हैं आप? वेल देखिए, गजल के बारे में एक सबसे बड़ी ट्रेजडी ये है कि ये लिखी तो तन्हाई में जाती है मगर सुनानी महफिल में पड़ती है। सो और एक बात और है गजल के बारे में या शेर के बारे में कि गजल या शेर कहीं नहीं जाते, उतरते हैं। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज। अच्छा इससे पहले मैं स्टेज पर किसी को भी बुलाऊं, मैं जानना चाहती हूँ